आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह सहित अन्य शिक्षकों ने गोविंद वल्लभ पंत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने बताया कि भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे एवं उत्तर प्रदेश जब संयुक्त प्रदेश के नाम से जाना जाता था तब भी 1937 में संयुक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने बताया गोविंद वल्लभ पंत अल्मोड़ा जिले के रहने वाले थे। उन्होंने अल्मोड़ा को एक अलग पहचान दी। उन्होंने असहयोग आंदोलन की वजह से 7 वर्ष का जेल भी काटा तथा काकोरी सत्याग्रह नमक आंदोलन में गोविंद वल्लभ पंत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस अवसर पर कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर संजय सिंह सहित अन्य शिक्षक और छात्र मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने कहा, कि हम किस निमित्त इकट्ठा हो रहे हैं। गांधी जी का जी जयंती है, उस निमित्त बलरामपुर सभागार में इकट्ठे होना पूरे मन से। पंडित गोविंद वल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। उस समय जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय यह जो उत्तर प्रदेश है संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। बाद में जब देश आज़ाद होता है 1947 में, उसके बाद संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश रखा जाता है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी उस समय उनके राष्ट्रपति हुआ करते थे, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ। राजेंद्र बाबू हनुमानसर पोद्दार जी के कार्यों से इतने प्रभावित थे, गीता प्रेस जैसे संस्थान की स्थापना करना और उस पर कार्य करना, कि उन्होंने मन बना लिया था कि भारत रत्न की उपाधि पंडित हनुमानसर पोद्दार जी को दी जाए और उसके लिए उन्होंने पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को भेजा था। कहाँ भेजा था? जहाँ रहते थे श्री हनुमानसर पोद्दार जी, गीता वाटिका। वहाँ आने के बाद भारत रत्न सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च पुरस्कार है भारत और पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी भी भारत रत्न की उपाधि से विभूषित थे। तो उनको भेजा राजेंद्र बाबू ने कि आप जाइए और पोद्दार जी को इस बात के लिए मनाइए कि वो इस पद को मैंने इस पुरस्कार को स्वीकार करें। पंत जी आए और उन्होंने बड़े आग्रह के साथ कहा कि आप मेरी बात मान करके और इस पद को स्वीकार कर लीजिए। राजेंद्र बाबू का संदेश लेकर के मैं आया। भाई जी के नाम से कहे जाते थे पोद्दार जी। उन्होंने बड़े ही विनम्रतापूर्वक कहा कि मुझसे बहुत से श्रेष्ठ लोग हैं और मैं नहीं समझता हूँ कि मैं इस पद के योग्य हूँ, इसलिए आप क्षमा करिएगा, मैं इस पद को स्वीकार नहीं करूँगा। और जो पत्राचार हुए थे वो बाद में पता चला, इसका कहीं जिक्र भी नहीं हुआ। जो पत्र पंत जी ने लिखा था पोद्दार जी को, वो पत्र बाद में मिला जब पोद्दार जी नहीं रह गए तो उनके जो कागज थे उनसे निकला और पंत जी ने लिखा था कि भाई जी आपने भारत रत्न को स्वीकार नहीं किया, यह अच्छा ही किया क्योंकि आप तो उससे बहुत ऊंची चीज। और जाते जाते उन्होंने पोद्दार जी से उनकी पेन ले ली कि ये मैं आपसे आशीर्वाद के स्वरूप चाहता हूँ और उसको आजीवन उन्होंने अपने साथ रखा। तो गोरखपुर से पंत जी का क्या जुड़ाव था, इससे संबंधित एक ये प्रसंग मैंने आप लोगों को सुनाया। शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब आते हैं भारत में और गांधी के आंदोलन के साथ उड़े आते हैं, असहयोग आंदोलन में उनके साथ रहते हैं 1920 में असहयोग आंदोलन में। फिर उसके बाद जब यहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना होती है तो उसमें भी उनकी भागीदारी होती है गोविंद वल्लभ जी की। और जब काकोरी कांड होता है, ट्रेन रुकी जाती है
और उसमें जिन लोगों को आरोप लगता है उनकी पैरवी के लिए वकालत भी करते हैं। और जब साइमन कमीशन 28 में भारत आता है 1928 में, तब भी वो विरोध करते हैं और लाला लाजपत राय के साथ होते हैं। तो ऐसे उनका बहुत महत्वपूर्ण थी और कम समय में ही वो आंदोलन में अपनी छाप छोड़े, जिसके कारण आंतरिक जो चुनाव हुए, जब संयुक्त प्रांत था, उत्तर प्रदेश में बना नहीं था, संयुक्त प्रांत था, तो 37 में जब चुनाव होता है तब भी वो मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं संयुक्त प्रांत में, और जब फिर 46 में चुनाव होता है तब भी वो आंतरिक मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं संयुक्त प्रांत में, और 50 में स्वतंत्र देश के उत्तर प्रदेश जब नाम बनता है, और जब सांस्कृतिक भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ उसकी पहल भी वही करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका उनकी। और हिंदी को राष्ट्रभाषा हो राजभाषा हो, इसके लिए संविधान चुनाव में आवाज देता है, हिंदी राजभाषा होनी चाहिए संविधान की। तो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पंडित गोविंद वल्लभ पंत, और जैसे सर ने बताया कि मुख्यमंत्री थे, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की नियुक्ति हो जाती है, तो चौथे गृह मंत्री होते हैं भारत के। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, प्रधानाचार्य महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती आज बलरामपुर सभागार में मनाई गई। पंडित गोविंद वल्लभ पंत हमारे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, और केवल उत्तर प्रदेश के ही प्रथम मुख्यमंत्री नहीं थे, जब उत्तर प्रदेश अलग नाम से नहीं जाना जाता था, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, तब भी वो 1937 में मुख्यमंत्री बनाए गए थे। और अल्मोड़ा जैसे दुरूह क्षेत्र से होने के बावजूद उन्होंने अपने राजनीतिक करियर के बदौलत अल्मोड़ा को एक अलग पहचान दी, और आज़ादी की लड़ाई में उनका विशेष योगदान रहा। 7 वर्ष वो जेल में काटे, असहयोग आंदोलन, काकोरी सत्याग्रह, नमक आंदोलन, इन सभी में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, और इसके चलते हम उनको सशक्त नमन करते हैं और उनको याद करने के लिए आज उनकी जयंती मनाई गई।